देश प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी से ठीक होकर सकुशल घर वापस जाने वाले मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। बता दें कि बीते दिनों रायगढ़ जिले में एक के बाद एक करके करीब 20 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से 14 का इलाज जिले के MCS मातृ शिशु अस्पताल मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। इसके अलावा 14 अन्य पॉजिटिव मरीज पड़ोसी जिले जशपुर से इलाज के लिए यहां लाए गए थे। इस तरह रायगढ़ में कुल 28 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी रहा। आज इस क्रम में जिला स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज रायगढ़ के कोरोना वॉरियर्स अर्थात डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की अथक सेवा के कारण जिले को तब ऐतिहासिक सफलता मिली जब एक साथ 6 कोरोना संक्रमित मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर वापस भेजे गए। हालांकि अभी उन्हें वहां अभी कुछ और दिन आइसोलेशन में रहना होगा। COVID-19 हॉस्पिटल प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार स्वस्थ होकर घर वापस जाने वाले मरीजों में 4 धरमजयगढ़ और 2 लैलूंगा तहसील के रहने वाले लोग हैं। ये सभी लोग प्रवास में आकर क्वारंटाइन सेंटरों में रहने के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हाँ, ये खुशी की बात है, हमारे जिले के लिए उपलब्धि है कि यहाँ से भी 4 कोविड के पेशेंट ठीक होने के बाद पूरी तरह से अपने अपने घरों को जा रहे हैं जी। तो नेचुरली अच्छी बात है यहाँ से, और मतलब एक अच्छी उम्मीद है कि हम मतलब पेशेंट जल्दी ठीक हो रहे हैं यहाँ पे। सर, कहाँ कहाँ के केसेस हैं सर ये, और जिले में कितने केसेस एक्टिव हैं, कितने डिस्चार्ज हुए सर? हमारे यहाँ से अभी 13 केस हैं और इनके भी करीब जसपुर के 14 हमारे और 14 उनके केस हैं, 28 केस हैं यहाँ पे जी। तो एक परसों हुई है, 29 केस टोटल हैं। जसपुर के 3 केस हैं और हमारे यहाँ के 4 जसपुर के हैं। थैंक यू। TCP24 न्यूज़ के लिए रायगढ़ से प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।